नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को लेकर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसके सेवन से आपको बालों से जुड़े सभी रोगों को सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ आगे भविष्य में भी बालों से जुड़े रोग जैसे कि सफ़ेद होना, झड़ना, गंजापन, ये आपको नहीं सताएंगे। इसके लिए बस आपको इस फल का सेवन करना है। जी हाँ दोस्तों, सीताफल जिसे शरीफा भी कहा जाता है एक बड़ा ही स्वादिष्ट फल है। लोग इसके बारे में थोड़ा कम जानकारी रखते हैं। सीताफल अगस्त से नवंबर के आसपास अर्थात अश्विनी से माघ मास के बीच में आने वाला फल है। अगर आयुर्वेद की बात माने तो सीताफल शरीर को शीतलता प्रदान करता है। यह पित्त शामक, तृषा शामक, उल्टी बंद करने वाला, पौष्टिक, तृप्तिकर्ता, कफ और वीर्यवर्धक, मांस एवं रक्तवर्धक, बलवर्धक, वात दोष शामक और हृदय के लिए बहुत ही लाभदायक फल है। सीताफल को भगवान राम माता सीता से जोड़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि सीता ने वनवास के समय जो वन फल राम को भेंट किया था उसका नाम सीताफल पड़ा। अगर आप दिन में एक बार सीताफल का सेवन करते हैं तो आपको अनेकों बीमार से निजात मिलेगी। तो आइए जानते हैं सीताफल खाने से हमें किन किन बीमार से निजात पा सकते हैं। सीताफल का कच्चा फल खाना अतिसार और पेचिश में उपयोगी है। यह शरीर के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल है। जब फल कच्चा हो तब उसे काट कर सुखा दें और पीस कर रोगियों को खिलाएं, इससे डायरिया की समस्या सही हो जाएगी। सीताफल सिर्फ फल ही नहीं है कि दवा भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो लोग शरीर से दुबले पतले होते हैं उन्हें सीताफल खाना चाहिए। सीताफल खाने से शरीर की दुर्बलता दूर होती है और साथ ही मैन पावर भी बढ़ती है। सीताफल शरीर की दुर्बलता, थकान, मांसपेशियां क्षीण होने की दशा में सीताफल खाना लाभकारी होता है। सीताफल एक मीठा फल है। इसमें काफ़ी मात्रा में कैलोरी होती है। ये आसानी से पचने वाला और अल्सर व एसिडिटी में लाभकारी है। इसमें आयरन और विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा सीताफल कई रोगों में रामबाण की तरह काम करता है। सीताफल के पत्तों को पीस कर फोड़ों पर लगाने से फोड़े ठीक हो जाते हैं। सीताफल के बीजों को बकरी के दूध के साथ पीस कर बालों में लगाने से सिर के उड़े हुए बाल फिर उगाते हैं। इसमें खूब सारा विटामिन ए होता है जो कि हमारे बालों, आँखों और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। सीताफल के बीजों को बारीक पीस कर रात को सिर में लगा लें और किसी मोटे कपड़े से सिर को अच्छी तरह बांध कर सो जाएं। इससे जुए मर जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि यह आँखों तक ना पहुँचे क्योंकि इससे आँखों में जलन और नुकसान हो सकता है। शरीफा के पत्तों का रस बालों के जड़ों में अच्छी तरह मालिश करने से भी जुए मर जाती हैं। सीताफल खाने से इसके गुदे से बने शरबत को पीने से शरीर की जलन ठीक होती है। वे लोग जिनका शरीर हर वक्त जलता रहता है और गर्म रहता है उन्हें नियमित रूप से इस फल का सेवन करना चाहिए। इसमें घुलनशील रेशे होते हैं जो कि पाचन क्रिया के लिए बेहतरीन है। सीताफल के बीजों को महीन चूर्ण बनाकर पानी से लेप तैयार कर रात को सिर में लगाएं और सवेरे धो लें। 2 से 3 बार रात को ऐसा करने से जुए समाप्त हो जाती हैं। चूँकि बीज से निकलने वाला तेल विषैला होता है इसलिए बालों में इसका लेप लगाते समय आँखों को बचा कर रखें। शरीफा में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार है। यह त्वचा पर आने वाली एजिंग के निशानों से बचाता है। सीताफल घबराहट को दूर करता है, हार्ट बीट को सही करता है। इसकी एक बड़ी किस्म और होती है जिसे रामफल कहते हैं। जिसका हृदय कमजोर हो, हृदय का स्पंदन खूब ज़्यादा हो, घबराहट होती हो, उच्च रक्तचाप हो, ऐसे रोगियों के लिए सीताफल का सेवन बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों, ये थे सीताफल खाने के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।